मोदी सरकार ने अचानक संसद में विशेष सत्र बुलाकर सभी को चौंकाया। क्या मोदी सरकार लागू करवाने वाली है समान नागरिक संहिता कानून? आखिर अचानक संसद सत्र बुलाने का अधिकार क्या सरकार के पास होता है? क्या इसके पहले कभी इस तरीके से अचानक बुलाया गया है संसद सत्र? जी हाँ, मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर सभी को चौंका दिया है। 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस सत्र को लेकर कई तरीके का कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून या फिर महिला आरक्षण संबंधी बिल पेश कर सकती है। कयास यह भी है कि विशेष सत्र नए संसद भवन में हो सकता है। संसद के विशेष सत्र को लेकर जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर लिखा, संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र, राज्यसभा का 261वां सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है। इसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के दौरान संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। जोशी ने विशेष सत्र में 5 बैठक होने की जानकारी तो दी है, लेकिन ये नहीं बताया है कि सत्र को लेकर सरकार की क्या योजना है। संसद का कोई भी सत्र बुलाने का अधिकार सरकार के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 85 में इसका प्रावधान किया गया है। सत्र बुलाए जाने का संसदीय मामलों की समिति इससे जुड़े फैसले लेती है और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समिति दी जाती है। अनुच्छेद 85 के अनुसार सदन के 2 सत्र के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि 1 साल में 2 बार सदन का सत्र जरूर लगना चाहिए। भारत में आमतौर पर 3 बार संसद सत्र लगता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। हालांकि यदि कभी सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति के पास स्वविवेक से संसद सत्र बुलाने का अधिकार है। जब सरकार को लगता है किसी मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता है, तब सरकार इसको लेकर राष्ट्रपति या स्पीकर को सलाह देती है। इसके बाद राष्ट्रपति या सदन के स्पीकर विशेष सत्र बुला सकते हैं। हालांकि इसके लिए सदन से कम 10% सदस्य यानी सांसदों को राष्ट्रपति या स्पीकर को सूचना देनी होती है। गौरतलब है कि कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं। भारतीय संसद की पहली बैठक 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 13 मई 2012 को लोकसभा ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था। इसके अलावा साल 1977 और 1991 में लोकसभा भंग होने के चलते राज्यसभा में विशेष सत्र आयोजित किया गया था। वैसे अचानक संसद सत्र बुलाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर बताएं और बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।